अध्यापक दे नाल हुई बदसलूकी। बच्चे दी मां ने मैडम दे शरियाम जड़ता थप्पड़। देखो आखिरकार की है पूरा मामला। अक्सर ही आख्या जाता है कि अध्यापक रब का दूजा रूप होंगे ने, जो बच्चों के भविख में संवारन दे विच अहम योगदान पाते हैं। पर इस तो उल्ट ही मामला फतेहगढ़ साहिब के पिंड हरलालपुर तो सामने आ रहा है, जिथों के एलीमेंट्री स्कूल की अध्यापक वालों गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। अध्यापक ने गलबात करद दसिया कि वह क्लास के पढ़ा रही थी तो पिंड की महिला ने उसके नाल आ के बदसलूकी की, इतों तक उसके चपेड़ा भी मारिया ने। आखिरकार होर सारा मामला बयान करद अध्यापका उसके साथियों ने की कहा, जरा तुसी भी सुनो। सर अज मैं ड्यूटी पर हाजिर सी तो गगनदीप नाँ की लड़की लेडी जी है वो सीधा पंजवीं दा बोर्ड का पेपर चल रहा है उधर चली गई। मैं 10-15 मिनट वेट की, मैं क्या भी मे भी मेरे नाल कोई गल करनी हो, क्योंकि सर तलवाड़े तो सके ड्यूटी सी उन्होंने पेपर से, वो स्कूल बारे कुछ नहीं जानते। 15 मिनट वेट कर बाद फिर मैं उधर जो गई तो मैं उन्होंने पूछा, मैं हाँ जी दसो की गल है, तो सर कहते इन्होंने रिजल्ट दे एडमिशन के रिगार्डिंग गल करनी हैगी है ना। तो मैं पूछा, मैं हाँ जी दसो, कहती मैं तेरे नाल तो गल करनी नहीं, तेनू गल कर तलीम नहीं हैगी, तू बदतमीज है, तू तो गंद पाया होया गा, तू एवरी टाइम फोन पर लगी रहनी है, मेरी कोई वह जाति रंजिश नहीं, कोई किसी तरह की खुंदक नहीं हैगी। फिर उस तो बाद बच्चे लेके जान लगी है भी मैं बच्चे लै जाने, मैं बच्चे फड़न लगी, उन्हें पहला मैंने धक्का मारिया, ठीक है धक्का मारिया, फिर उस तो बाद नाल दी नाल मेरे थप्पड़ मारिया, जबकि वो मेरे ते एलीगेशन ला रही है कि मैं वो थप्पड़ मारिया। देखो मैं टीचर नूं कौम का निर्माता समझिया जाता है, मैं इत्थे आके इदां दे भद्दे काम करूँगी तो कल नूं मेरे तो बच्चे की सीखणगे, मैं बच्चों नूं की सिखाऊंगी। बस मैं कहनी हाँ कि मैनू इंसाफ मिले, मैनू इस लेडी तो खतरा हैगा। लेडी आ इस दे जिहड़े बच्चे ने साडे कोल इत्थे पढ़दे ने, इक इहदा बेटा तीजी क्लास प्रमोट होया ते इक चौथी दे विच प्रमोट होया, तो इन्हों का जिहड़ा रिजल्ट असीं कल दे चुके सी, ते कल भी इहने लेडी ने मैनू ये गल कही सी भी मैं भी जिहड़े तुहाडे नाल दे मैडम है इहनू बंदा बनाउणा, ते उह इक मतलब कि मिथी हुई साजिश दे तहत जिहड़ा अज इन्हां ने यह कम किया, क्योंकि मैं अज स्कूल दे विच नहीं सीगा तो मैं इस दी जिहड़ी खबर आ उह बाद विच पता लगी आ भी स्कूल दे विच इह हो गया, क्योंकि मेरे पंजवीं दे बोर्ड दे पेपरां दे विच जिहड़ी उह ड्यूटी लगी हुई सी। तो इस गल बारे जो अज हुई आ, इह मैं रात सरपंच साहब नूं फोन करके ये गल कही सी भी वो लेडी है जिहड़ी सानूं इस तरह दीआं मैडम बारे धमकियां दे रही आ। सो मैं इस प्रशासन दे अगे असीं यही मंग करदे आ भी इस जिहड़ी घटना अगे नूं इदां दा कुछ ना वापरे, इस लई असीं जिहड़ा भी परचा दर्ज करन दी मंग करदे आ भी। दूजे पासे उक्त महिला ने अपने उत्ते लगे इल्जामां नूं नकारदे होए कहा कि उस वल्लों कोई भी बदसलूकी नहीं कीती गई, सगों अध्यापका वल्लों उस नाल बदसलूकी कीती गई है ते उसदे मूंह ते चपेड़ा तक मारियां ने। पर सर अज तो 5-7 दिन पहला ना मैडम ने मेरे बच्चे नूं बहुत बेकिरकी नाल कुटिया, जो मैं स्कूल च शिकायत लैके गई मैडम ने प्रिंसीपल दे हुंदे मैं तो सॉरी फील कर ली और प्रिंसीपल ने भी सॉरी फील की। उस तो बाद मेरे दिल च सर कोई गलबात नहीं सी, जो मैं अज दोबारा अपने बच्चों का दाखला करवाउण गई अज 1 अप्रैल नूं ते मैडम ने मेरे नाल गाली गलोच की, पैंदी पड़क मेरे जांदी दे थप्पड़ मारिया मैडम ने, ते मैं बकायदा वीडियो बनाई आ, मैनूं कहिंदे ने चक अपना गंद बैग चक, मैं नहीं दाखल करदी, मैं नहीं तेरे बच्चे पढ़ाउंदी, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਪੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲੀ ਅਫਸਰ ਭੇਜਿਆ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਚ ਟੀਵੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਤਾਕਤ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਅਨੇਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ, ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕੋ। ਕਾਂਤ, ਸ਼ਿਗਰ ਪਤਨ,
ਘੱਟ ਸ਼ਕਰਾਣੂ ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮਰਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਵਰਮਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਨੀਅਰ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਫਗਵਾੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9850 6476 98144 6476